Welcome dear students in RCI Education Hub Bansur chemistry classes. In previous classes we see step by step periodic table, then we study quantum numbers. Now we see quantum numbers importance, what type questions. So we check knowledge how we can explain quantum numbers. For example, first of all, one question for you, that is, if n equal to 3, l equal to 2, then what is orbital पोजिशन. क्वेश्चन है n इक्वल टू 3, l इक्वल टू 2, आपको गिवन है, क्वांटम नंबर्स की वैल्यू दे रखी है. आपको बताना है कौन सा ऑर्बिटल है, कौन से ऑर्बिटल के अंदर रिप्रेजेंट है. यू कैन सी रिप्रेजेंटेशन विल बी ऑलवेज, फर्स्ट ऑफ ऑल वी रिप्रेजेंट दिस टाइप n, देन कम्स L values, that means N की वैल्यू आती है, उसके बाद L का वैल्यू है और यहाँ पर आता है S वैल्यू स्पिन का. ये रिप्रेजेंट करने का एक परफॉर्मा है. सबसे पहले क्या लिखना है, N का वैल्यू, फिर L का वैल्यू और उसके बाद आता है स्पिन का वैल्यू. अब कौन किस पे डिपेंड करता है इसमें अपन देखें तो क्वांटम नंबर्स जो हैं एक दूसरे के ऊपर क्या होते हैं, डिपेंड करते हैं. यानी एन का मान है, एल का मान है, एम का मान है, एस का मान है, ये आपस में कनेक्ट होते हैं. किस टाइप से कनेक्ट होते हैं वो आप देखिए. इसमें एल का मान होता है वो एन के ऊपर टिका होता है. ये प्रीवियस क्लास में पहले देखा था, एल बराबर होता है 0 से n-1. ओके, एम एल का जो मान था ये डिपेंड कर रहा था इसके ऊपर. एम का जो मान होता है वो था माइनस एल से 0 और +l तक. ये अपन ने देखा था एल के ऊपर डिपेंड कर रहा है. ओके, एवरी पार्ट है वो डिपेंड किस पे कर रहा है, एक दूसरे से क्वांटम नंबर से जुड़े हुए हैं, कनेक्ट हैं. वन वैल्यू अदर वैल्यू डिसाइड. सो देयर विल बी गिवन टू वैल्यूज इन क्वेश्चन, n इक्वल टू 3, l इक्वल टू 2, देयर व्हाट इज ऑर्बिटल पोजिशन. तो यू कैन सी, यू नो n इक्वल टू 3, देयर विल बी पुट अप n, दैट इज 3. ओके, l इक्वल टू 2, 2 किसके लिए आता है. मैंने जब l का वैल्यू आपको स्टडी करवाया था वीडियो में, तब आपने देखा था, मैंने आपको स्टडी करवाया था 0, 1, 2, 3, etc, s, p, d, f इस टाइप से रिप्रेजेंट किया था. यू रिमेम्बर, देयर विल बी वैल्यू गिवन l इक्वल टू 2. 2 किसके लिए आता है भाई, d के लिए. सो इट विल बी कम्स d, कौन सा सबसे लाएगा, d. सो ऑर्बिटल पोजीशन क्या होगी इसकी, 3D होगा. ओके, तो इसका आंसर क्या रहेगा, इसका आंसर है गिवन वैल्यूज के आधार पर है ये कौन सा ऑर्बिटल है, 3D ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करता है. ओके, अगेन यू कैन सी नेक्स्ट क्वेश्चन इजीली 1 by 1. इफ यू नो क्वांटम नंबर्स यू कैन सोल्व क्वेश्चंस वेरी इजीली. सी नेक्स्ट, इफ n इक्वल टू 3, l इक्वल टू 1, m इक्वल टू +1, s इक्वल टू +1/2, then what will be the orbital position of electrons.
इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन क्या होगी या इन क्वांटम नंबर्स के बेस पर आपको ऑर्बिटल का स्ट्रक्चर बताना है, कौन से वाला ऑर्बिटल होगा, कौन सा रिप्रेजेंट करोगे आप। देखिए भाई सिंपल भी लगाना है, क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल डिसाइड एन, एन विल बी थ्री, दैट विल बी रिप्रेजेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल थ्री। नाउ सी एल, एल इक्वल टू वन, वन comes for according L, that is P, क्या है P, represent P, 3P, okay, you know P have 3 orbitals, इसमें कितने orbital थे, 3 orbitals, कौन कौन से, Px, Py and Pz, 3 types orbitals present in this, that means one is minus one, zero, plus one, इस type से represent किया था, that means इस वाले में एक orbital ले रखा है, कौन सा, plus one वाला orbital, p के अंदर एक orbital आ चुका है, ये अपन ने कहाँ से देखा, ये orientation decide किया है, m के आधार पर, now you see spin also given, spin equal to 1/2, that means spin आपको दे रखा है, कितना है, 1/2, that means 1/2 का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन के लिए कितना आ रहा है 1/2, that means इस वाले ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, तो n स्पिन को कहां नोट करते हैं, यहां पर नोट किया जाता है, that means ये आ गया, तो अपना ऑर्बिटल जो हो गया क्वांटम नंबर्स के आधार पर वो क्या होगा 3p1, तो ये देख सकते हैं आप, अपोजिट भी कर सकते हैं। देखिए 3 क्या है, n का मान होता है, तो n इक्वल टू क्या है इसके लिए 3, p के लिए l का मान कितना आता है, p के लिए n का मान कितना आता है 1 आता है, तो l इक्वल टू कितना हो गया 1 हो गया, ये यहां पर लिखा होता है दैट दिस साइड का स्पिन है, स्पिन विल बी कितना है, एक इलेक्ट्रॉन नंबर दे रखा है और एक इलेक्ट्रॉन का स्पिन कितना होता है 1/2, पॉजिटिव दे रखा है, इसका मतलब है m का मान जो है वो इस पर डिपेंड कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन अपने को दे रखा है तो m का मान कितना होगा, एक ऑर्बिटल के अंदर विद्यमान है, कौन से वाले में, p वाले में, तो दैट मीन्स p ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है, वो कौन सी डायरेक्शन में है, क्लॉकवाइज, प्लस दे रखा है इसलिए कौन सा है क्लॉकवाइज, ये पोजिशन इसकी हो गई, दैट मीन्स इस वाले से अपन अपोजिट डायरेक्शन में इससे एक दूसरे के अंदर चेंज कर सकते हैं, अगर आपको गिवन वैल्यू क्या है 3p1 दे रखा है, अगर आपको क्वेश्चन में पूछता है कि व्हाट विल बी द क्वांटम नंबर्स, क्वांटम नंबर्स क्या होंगे इसके लिए, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात करें इसके अंदर, नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि व्हाट विल बी द क्वांटम नंबर्स फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन, यू कैन सी फॉर 4s1 what will be quantum numbers, quantum numbers क्या होंगे 4s1 के लिए, quantum numbers आपको decide करने, इसका मतलब है quantum numbers पूछ रहा है, तो सभी quantum numbers आपको देखने हैं, चार क्वांटम नंबर्स होते हैं, n आपको डिटरमाइन करना है, l आपको डिटरमाइन करना है, m डिटरमाइन करना है और s का वैल्यू भी आपको डिटरमाइन यहां पर करना है, वेरी इजी, फर्स्ट ऑफ ऑल यू इन फर्स्ट साइट यू कैन सी देयर विल बी 4, इट ऑलवेज अकॉर्डिंग टू आवर फॉर्मूला n l s दिस टाइप रिप्रेजेंट, आई टेल यू ये अपनी ट्रिक है, इजीली आप देख सकते हो, n फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन n, n इक्वल टू कितना है, फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी इजी टू आइडेंटिफाई n, दैट विल बी 4, नाउ कम ऑन l, दैट इज s ऑर्बिटल, s ऑर्बिटल के लिए n का मान कितना होता है, यू नो n इक्वल टू 0, 1, 2, 3 S, P, D, F. So, S orbital के लिए कितना आता है L का मान?
जीरो आता है, डेट मीन्स एल का मान कितना होगा, जीरो। ओके, नेक्स्ट एम वैल्यू डिपेंड ऑन एल वैल्यू, और यू नो फॉर एस ऑर्बिटल ऑलरेडी टेल्स यू फॉर एस ऑर्बिटल एल वैल्यू एंड एम वैल्यू विल बी कम्स ऑलवेज जीरो, सो एम वैल्यू विल बी कम्स जीरो फॉर एस ऑर्बिटल के लिए एम का वैल्यू कितना आता है, जीरो आता है, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ एक ही ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है। पी में तीन होते हैं, डी में पांच एंड एफ में सेवन ऑर्बिटल्स पाए जाते हैं। ओके, एस वैल्यू गिवन वन इलेक्ट्रॉन, वन इलेक्ट्रॉन के लिए अगर ऑर्बिटल में आप रिप्रेजेंट करते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन को कैसे रिप्रेजेंट करोगे भाई, दिस टाइप, दैट इज क्लॉकवाइज कंडीशन। सो स्पिन का मान इसके लिए एक इलेक्ट्रॉन के लिए कितना होगा, 1/2, सो s इक्वल टू होगा प्लस 1/2। ओके, तो फॉर दिस क्वांटम नंबर्स विल बी इजीली कैलकुलेट। नेक्स्ट यू कैन सी नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस टाइप, इफ n इक्वल टू 3, l इक्वल टू 2, s इक्वल टू 3/2, देन वाट विल बी द ऑर्बिटल स्ट्रक्चर, ऑर्बिटल का ओरिएंटेशन क्या होगा अगर अपने को ये वैल्यू दे रखी है। तो देखिए, कैन यू डिटरमाइन ऑन द बेसिस ऑफ 3 नंबर्स ऑर्बिटल्स यू कैन रिप्रेजेंट, यू कैन सी n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 3, l इक्वल टू 2, यू नो n इक्वल टू l, नो, ऑलवेज रिमेंबर, नोट रखना, n का वैल्यू l के इक्वल कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि अपन ने स्टडी किया था n का मान ऑलवेज n के मान से एक कम आता है, यानी l का मान n के मान से क्या होगा, एक कम आएगा। दैट मीन्स n का मान और l के मान में आपको तुरंत देखना है डिफरेंस क्या है, दोनों में एक का डिफरेंस होना चाहिए, दोनों इक्वल नहीं होने चाहिए। इफ बोथ आर इक्वल देन देर विल बी नो रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स। ओके, तो इट इज पॉसिबल और नॉट, इट इज पॉसिबल, ठीक है, पॉसिबल है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन में सबसे पहले आपको क्या देखना है, n और l के वैल्यू देखने हैं, ये इक्वल नहीं होने चाहिए बिकॉज l इक्वल टू n माइनस 1 होता है, तो ये डेट इज नॉट फॉर यू, n इक्वल टू l नॉट नहीं होना चाहिए, n इक्वल टू 0, n का मान कभी भी एनी कंडीशन नॉट इक्वल टू 0, 0 नहीं होना चाहिए, मस्ट भी है, n मिनिमम स्टार्ट कहाँ से होता है, 1 से स्टार्ट होता है, 1, 2, 3, 4, यू सी इन प्रीवियस क्लासेस। ओके, दैट विल बी 2 पॉइंट्स, 1 पॉइंट इज दैट, सेकंड पॉइंट इज दैट, ऑन द बेसिस ऑफ दिस पॉइंट्स वी डिसाइड दिस क्वेश्चन, यू सी l इक्वल टू 3, पुट अप दिस, l इक्वल टू 3, L इक्वल टू 2, 2 किसके लिए रिप्रेजेंट करते हो, 2 आता है d ऑर्बिटल के लिए, सो ये कहलाएगा 3d, क्या होगा 3d। ओके, फिर विल बी गिवन स्पिन नंबर डेट इज 3/2, 3/2 होने का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन के लिए 1/2, दूसरे के लिए 1/2, तीसरे के लिए भी कितना है 1/2, डेट मीन्स देर विल बी 3 इलेक्ट्रॉन्स प्लस प्लस, दैट विल बी हो गया 3/2, यानी 3 इलेक्ट्रॉन्स विद्यमान है, प्रत्येक का स्पिन कितना है 1/2, 1/2, 1/2, टोटल स्पिन कितना हो गया 3/2, इसका मतलब है डी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, क्योंकि यहाँ पर स्पिन कितना है 3/2, डायरेक्टली भी आप देख सकते हो
वन बाई टू ऑलवेज रहता है, जो नंबर यहाँ पर रिप्रेजेंट है वही टोटल इलेक्ट्रॉन्स की संख्या होती है। दैट मीन्स इजीली आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, डायरेक्टली आपको दिख जाए 3/2, 2 ऑलवेज कम कांस्टेंट बिकॉज 1/2 होता है स्पिन का मान, डायरेक्टली आपको 3 दे रखा है, 3 को उठाइए पुट अप कीजिए, दैट विल बी कॉल्ड एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड इट्स हाफ विल बी स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिप्रेजेंटेशन। ओके, दैट मीन्स एस इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी एन का जो मान होता है वो एन बाई टू के बराबर होता है, यानी स्पिन जो होता है उसका हाफ होता है, टोटल स्पिन जो है अपने पास में 3 है, 3/2 हो गया। ओके, ये इजीली आप यहाँ से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये इसका ऑर्बिटल ओरिएंटेशन क्या हो गया, 3d3 हो गया। ओके, दीज टाइप क्वेश्चंस यू कैन इजीली आइडेंटिफाई ऑन द बेसिस ऑफ 4s 4p इलेक्ट्रॉन्स। इफ नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन दिस वीडियो यू विल बी सी, ओनली आपको बताना है कि दैट विल बी पॉसिबल और नॉट पॉसिबल, दैट विल बी पॉसिबल और नॉट पॉसिबल। n इक्वल टू 2, l इक्वल टू 2, एच इक्वल टू 2, एम इक्वल टू प्लस 2, डैट इज पॉसिबल और नॉट, डैट इज पॉसिबल और नॉट, व्हाट विल बी, डैट विल बी पॉसिबल और नॉट। फर्स्ट ऑफ ऑल यू सी वैल्यू ऑफ n एंड l, वैल्यू ऑफ n एंड l आर इक्वल, दैट मीन्स इन दिस क्वेश्चन l इक्वल टू n इक्वल टू l। मैंने आपको नोट डलवाया था कि n का वैल्यू l के बराबर नहीं होना चाहिए, इक्वल नहीं होना चाहिए, अगर दिस क्वेश्चन दैट विल बी नॉट पॉसिबल कंडीशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन सी हियर ऑलरेडी decide in first point you see identify, that means it may be 2, l equal to 2 for d, 2d orbital, 2d orbital you not see in a periodic table anywhere electronic configuration, we always write first s, 2s, 2p, directly 3s, not come here 2d, why? क्यों नहीं आता है यहाँ पर 2d, क्यों नहीं आता है उसका मेन रीजन क्या मिला, क्योंकि n और l के वैल्यू 2d के लिए क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, जबकि नहीं होने चाहिए क्योंकि n का मान, l का मान n-1 होना चाहिए ऑलवेज अकॉर्डिंग टू क्वांटम नंबर्स। ओके, सो दैट नॉट फॉलो द रूल, इट इज 2d ऑर्बिटल, सो इट इज नॉट पॉसिबल इन ऑर्बिटल एनर्जी लेवल। ओके, सो वी सी इन दिस पार्ट what is the application of quantum numbers in chemistry, how we use quantum numbers for the energy determination of orbitals. In next class we study about energy profile diagram of orbitals, first s, 2s, 2p, etc, and also first of all we study what will be the orbitals, what is the types of orbitals. Okay, so today it is sufficient for you for the quantum numbers, and on the basis of quantum numbers some basic questions deeply we study about it in the next classes. Thank you so much.